welcome back to the series hashtag ACCA for class 12. आज के वीडियो में जो कि है अबाउट जॉब्स आफ्टर ACCA. ACCA तो समझ लिया, उसके बेनिफिट्स, उसके सब्जेक्ट्स भी समझ लिया. अब मैम ACCA के बाद क्या क्या कोई जॉब्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में कुछ बता दो. तो अगर आप ये जानना चाहते हो सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. हाई एवरी वन, आई एम ACCA दिशा चौहान एंड वेलकम बैक टू द सीरीज हैशटैग ACCA फॉर क्लास 12. तो बच्चों अभी तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया. अगर आपने बाय चांस कोई वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक आई बटन पे होगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा. डोंट मिस आउट ऑन दोस वीडियोस, आल्सो उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं डिस्कस, जैसे कि ACCA क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मैम एग्जाम का स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमने कर ली है डिस्कस. लेकिन अब हम आ जाते हैं आज के वीडियो में जो कि है अबाउट जॉब्स आफ्टर ACCA. ऑब्वियसली कोई कोर्स करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आप डिग्री करते हो, अपने मास्टर्स करते हो, अल्टीमेट एम तो यही होता है ना कि उसके बाद क्या करना है, क्या जॉब करना है, राइट? तो जैसे ACCA के बाद भी आपके मन में यही सवाल आएगा, या ACCA करते वक्त या उसको शुरुआत करने से पहले, कि भाई इसके बाद जॉब्स क्या हो सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस द जॉब्स आफ्टर ACCA. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी फील्ड्स है, मैं कहूँगी जो आप एक बार ACCA कर लो उनको कर सकते हो एक्सप्लोर. मैंने खुद इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में किया है, इट्स नॉट कि आप एक उसमें घुस गए एक पर्टिकुलर फील्ड में तो वही है. क्योंकि ACCA कोर्स के दौरान हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, राइट? हम पढ़ते हैं फाइनेंस, हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हम ऑडिटिंग भी पढ़ते हैं, हम टैक्स भी पढ़ते हैं, वी स्टडी सो मेनी थिंग्स. हमारे पास ऑब्वियसली उस वजह से चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. तो क्या कुछ पॉपुलर यू नो चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं जो आप कर सकते हो, उसको डिस्कस करने से पहले देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है? या तो आप हार्ड कोर अकाउंटिंग फर्म में जॉब करोगे, जैसे कि बिग फोर हो गए, बिग फोर के अलावा भी जैसे आपके EY, PwC, डिलॉयट, KPMG के अलावा भी देयर आर फ्यू बिग फर्म्स जो कि यू नो बिग फोर को टक्कर देती हैं, चाहे वो BDO हो गई या ग्रैंड थॉर्नटन. तो आप या तो इन हार्ड कोर आपकी ऑडिटिंग अकाउंटिंग फर्म्स में काम कर सकते हो, या फिर दूसरा टाइप जो हम यू नो कॉमनली कहते हैं वो होता है इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी होगी, Amazon हो गया, Dell हो गया, Accenture हो गया, हर बड़ी कंपनी का अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट तो होता ही है जिसमें आप काम कर सकते हो. तो ये चॉइस आपके पास है कि भाई आपको हार्ड कोर ऐसे अकाउंटिंग फर्म में काम करना है या आपको इंडस्ट्री में काम करना है. आप दोनों जगह पे भी ट्राई कर सकते हो. यू नो कुछ साल लोग अपना हार्ड कोर बिग फोर में काम करते हैं बट उसके बाद वो इंडस्ट्री में मूव कर जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन. पर आप क्या काम कर सकते हो, क्या वो वेरियस फील्ड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं. सो यू कुड बी अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट. नाउ फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो मैं तो सजेस्ट करूंगी उन्हीं को करना चाहिए इस फील्ड में जिनको अकाउंटिंग से प्यार है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है, हमने पढ़ा है, राइट? नॉलेज लर्निंग सब्जेक्ट है, आगे स्किल और प्रोफेशनल में आप और डीप में पढ़ते हो इसको. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, वही आपका बैलेंस शीट जो आप बनाते हो, राइट? आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही पढ़ते हो. सो एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट आप यही सारी चीजें करोगे, चाहे वो आपकी बुक कीपिंग हो गया, ये तो एकदम एंट्री लेवल का हो गया, या फिर आपका यू नो लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने का जॉब हो सकता है, या फिर प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो सकता है. अगर आपकी कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज है तो कंसोलिडेशन देखना शायद आपका रोल हो. तो ये सारी चीजें एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बेसिक आपकी अकाउंटिंग होती है, हार्ड कोर अकाउंटिंग, वो आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. तो अगर आपको अकाउंटिंग बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगता है यू नो प्रिपेयरिंग ऑफ योर बैलेंस शीट्स, PNL, ये सारे काम हो गए, चाहे वो लेजर एंट्री के हो गए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हो गया, जो भी ये सारे काम है अकाउंटिंग जो होती है प्रॉपर, इफ यू लाइक दैट देन ये फील्ड डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो. दूसरा आ जाता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी एक सब्जेक्ट है ही हमारे ACCA में नॉलेज लेवल पे,
और आप देन स्किल एंड प्रोफेशनल पे भी इसको पढ़ते हो. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है थोड़ा डिफरेंट है देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये आपका हार्ड कोर बैलेंस शीट प्रिपरेशन अकाउंटिंग नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, आप देखते हो भाई कंपनी कैसा कर रही है, उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, यानी कि आप फोरकास्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, इन सारी चीजों पे काम करते हो. अब कोई भी कंपनी है उसका सेल्स हो रहा है, राइट, तो आप जो है प्रिपेयर करोगे कि क्या फोरकास्टेड सेल्स हैं, कि क्या बजटेड है, फिर सारे के एंड में आप देखोगे एक्चुअल क्या आते हैं, वेरियंस क्यों आए, कॉस्टिंग कैसे इंप्रूव करें, यू नो आपके प्रोडक्ट्स की कैसे और मिनिमाइज कर सके कॉस्ट. तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम बहुत सारे कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, राइट, टेक्निक्स, ये सब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड हो जाता है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम. फिर तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फील्ड जो की होती है हमारी ऑडिट. अब आप चाहो तो इन जो मैंने कोई कंपनीज बोली इंडस्ट्री वाली कंपनीज, आप उनके ना अपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए जैसे कि गोल्डमैन सैक्स या फिर यू नो कोई और बड़ी कंपनी हो गई, इन सब के अपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप उसमें भी काम कर सकते हो. या फिर आप अपना EY, PwC, बेसिकली आपका बिग फोर या ग्रैंड थॉर्नटन, इन कंपनीज में ऑडिट में काम कर सकते हो जहां पे आप दूसरी कंपनीज का ऑडिट करते हो. सो मैंने खुद स्टार्ट किया था अपना करियर when I was doing ACCA, मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था, मैं स्टूडेंट थी बस, एंड आई वॉज वर्किंग वन ऑफ द बिग फोर्स इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, जो हमारे क्लाइंट यूके थे, यूके वाले थे, एंड हम उनकी कंपनीज का ऑडिट देखते थे. तो यहाँ प्रिपेयर नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट जो क्लाइंट ने प्रिपेयर किया है उनको चेक कर रहे हो क्या, दैट आर दे ट्रू और फेयर और नॉट. तो ये काम आ जाता है ऑडिट में. फिर अनदर वेरी पॉपुलर फील्ड, फोर्थ फील्ड हमारी हो गई टैक्सेशन. तो जैसे ऑडिट बहुत वाइड है, बहुत पॉपुलर है, वैसे दूसरा साइड है टैक्स का. और जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है, राइट, ACCA के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, स्पेशलाइजेशन आप ऑडिट में कर सकते हो या टैक्स में कर सकते हो. तो यूजली आप जब पढ़ रहे हो यू नो अपने स्किल लेवल पे, आपको एक इंक्लिनेशन होगी कि यार मुझे ऑडिट में ज्यादा इंटरेस्ट है या मुझे टैक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो कुछ लोग टैक्स में काम करते हैं, चाहे वो GST से रिलेटेड काम हो गया, सेल्स टैक्स, एंड अगेन इन सारे बिग फोर्स, इन सब में अपना टैक्स का भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, जैसे ऑडिट होता है वैसे ही टैक्स चलता है. तो ठीक है भाई, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स, ये सब तो कर सकते हो. उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, एडवाइजरी. यस, एडवाइजरी भी बहुत पॉपुलर है और आजकल तो ये बहुत ज्यादा ही, मतलब यू नो यू विल सी इट हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी कंपनी. एडवाइजरी इज मोर ऑफ कंसल्टिंग वर्क. ये अगेन आपके बिग फोर्स में भी होता है, बाकी फॉर्म्स में भी होता है. एडवाइजरी में क्या होता है, अब जैसे कि लेट्स से मैं बिग फोर में काम करती हूँ, एंड मैंने बाय द वे आफ्टर ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी में ही काम किया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो आई हैड नॉट कम्प्लीटेड ACCA, आई वॉज स्टिल अ स्टूडेंट, एंड देन वहीं पर मेरे पेपर्स भी क्लियर हो गए. फिर एज एन एफिलिएट मैंने काम किया, मेंबरशिप भी नहीं तब तक हुई थी. तो यू नो ये भी ऐसा नहीं है कि आप जब ACCA पूरा हो जाते तभी जॉब मिलता है. मैं खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ उसकी. तो भाई फिर से आ जाते हैं एडवाइजरी पे. उसमें हम क्या करते थे, एडवाइजरी में कंसल्टिंग है. अब मेरा कोई क्लाइंट है, लेट्स से यूके का क्लाइंट है, और वो यूके गैप फॉलो कर रहा था अभी तक, बट अब उसको IFRS अडॉप्ट करना है. तो ऑब्वियसली एज एन ACCA आपने IFRS पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं, तो आपको ये नॉलेज है. तो हमारा फंक्शन यही होता था कि कैसे आप क्लाइंट को हेल्प करते हो, चाहे वो पूरा अडॉप्शन हो या फिर मे बी कोई स्टैंडर्ड में चेंज हो, जैसे लीजेस का स्टैंडर्ड चेंज हुआ था तब, या रेवेन्यू का थोड़ा चेंज हुआ था, तो इसमें आप पे फिर काम आ जाता है कि कोई क्लाइंट को अब उनको भी तो चेंज अडाप्ट करना होगा, तो आप उनको कंसल्ट करते हो, उनको हेल्प करते हो ये चीजें करने में. एज एन ACCA, इवन दो हम IFRS पढ़ते हैं, आई वॉज वर्किंग फॉर US क्लाइंट्स जो कि US गैप फॉलो करते थे. और मैं क्यों उनकी हेल्प कर पा रही थी, बिकॉज बहुत सिमिलैरिटीज होती है वहां पे भी, जो US का स्टैंडर्ड है लीजेस का, आई स्टिल रिमेंबर ASC 842 था, तो वो और हमारा IFRS का स्टैंडर्ड बहुत सिमिलर था. तो आई कुड स्टिल हेल्प देम इन दोस प्रोजेक्ट बिकॉज हमारे पास वो नॉलेज थी. तो आप जो है एडवाइजरी में कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, इन सब चीजों में IFRS हो गए, इन सब का आप हेल्प करते हो ऑफ योर फॉर क्लाइंट्स. तो ये कंसल्टेंसी साइड हो गए, एडवाइजरी साइड. इसमें रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजर भी आता है, आप रिस्क में काम कर सकते हो. मैं बहुत सारी ऐसी चीज को जानती हूँ जो रिस्क में काम करते हैं, यहाँ पे आप हेल्प करते हो यू नो कंपनीज को कि कैसे वो मिटिगेट कर रहे हैं रिस्क, चाहे हो गया वो विद रिलेट्स टू योर इंटरनल कंट्रोल, जो कि थोड़ा ऑडिट का आपका पार्ट हो गया.
तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा तो और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पर ये मैं मेन बता रही हूँ। और आप क्या और कर सकते हो? ऑफकोर्स आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो एज एन ECCA। यस, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। आप अपने कुछ मे बी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने शायद ECCA किया, आप खुद एक कंसल्टेंसी प्रैक्टिस खोल सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना, आप फाइनेंस में भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, वो सारी बड़ी कंपनीज, चाहे वो Amazon हो गया, Dell हो गया, इनका अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। आपने फाइनेंस भी पढ़ा है, सो विद यू नो उसमें विद रिगार्ड्स टू आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आप इन किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो आपने शायद फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन किया, तो देन आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज भी रहती है। उसके अलावा आप मर्जर एंड एक्विजिशन के साइड भी हेल्प कर सकते हो, काम कर सकते हो। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या है, जब कोई कंपनीज यू नो मर्ज हो रही है, एक कंपनी दूसरे को अक्वायर कर रही है, तो आपको ड्यू डिलीजेंस करना होता है। ये क्या होता है कि भाई जिस कंपनी को मैं सोच रही हूँ खरीदने का, क्या वो जो बोल रही है कि उसके पास जो एसेट्स हैं वगैरह वगैरह, क्या वो सच में है, तो वो एक साइड हो जाता है। दूसरा साइड हो जाता है वैल्यूएशन का, कि भाई जो वैल्यू उसकी लगाई गई है, क्या वो सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर भी काम कर सकते हो। ऑफकोर्स कई मतलब आपने देखा होगा खुद ही, कई लोग या तो अपने प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि वो ऐसा किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, उसके साथ पार्ट टाइम यू नो ट्यूटर भी हैं, या वो फुल टाइम भी अडॉप्ट कर लेते हैं। यू नो आफ्टर फ्यू इयर्स इफ दे थिंक दैट ओके दिस इज गोइंग ग्रेट, देन दे बिकम फुल टाइम फैकल्टी टीचर। तो अगर आपको टीचिंग में भी इंटरेस्ट हो एंड कुछ साल आपने काम किया, आपको अब लग रहा है कि यू नो आई वॉन्ट मोर रिलैक्स लाइफ, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू माई यू नो जो भी मैंने पढ़ाई की है, एंड आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स विद दैट, देन ऑफकोर्स आप टीचिंग भी कर सकते हो। सो देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, यू नो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एक ऐसा कोर्स करके इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलना इज वेरी रेयर, क्योंकि यूजली आप देखो अगर एज एन इंजीनियर भी, तो आप इन्हीं कुछ बड़ी IT फर्म्स हो गई, आप बोलते हो कि चलो वही काम है, पर वो तीन चार चीजें हैं कि आप इसमें चले गए, कोडिंग में चले गए, या फिर यू नो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐप बिल्डिंग में चले गए। तो ऑप्शंस तो देखो, आप कोई भी कोर्स करो उसी के अराउंड होंगे। तो ECCA आपने जो पढ़ा है उसी के अराउंड होगा, वो आपकी अकाउंटिंग हो गई, ऑडिटिंग हो गई, टैक्स हो गई, फाइनेंस, पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही। इट्स नॉट जस्ट कि ओ ये करके मैं सिर्फ अकाउंटेंट ही हूँ या सिर्फ ऑडिट हूँ, नहीं, आप अकाउंटिंग में ट्राई कर सकते हो, आपको वो उतना अच्छा ना लगे आप ऑडिट में स्विच कर सकते हो, आप फिर एडवाइजरी में जा सकते हो। मैंने खुद इतना स्विच ओवर किया है, एंड व्हाई नॉट, वी मस्ट ट्राई। जो आपको पसंद है फिर आप वो चूज कर सकते हो। सो देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। यू नो मुझे बहुत वो लगता है जब लोग कहते हैं कि ओ ECCA का उतना स्कोप नहीं इंडिया में, जब हर बड़ी MNC इंडिया में आज के दिन पे है, बिग फोर्स इंडिया में है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ECCA का स्कोप इंडिया में नहीं है? ECCA का स्कोप बिल्कुल है इंडिया में, आपको ईजिली जॉब मिल सकता है, एंड ऑफकोर्स आपके पास अदर स्किल्स भी मैटर करती हैं। कोई इंसान अगर IIT से पढ़ जाए या कोई इंजीनियर भी बन जाए, तो इंजीनियरिंग करके अगर मैंने किसी कॉलेज से लेट्स से इंजीनियरिंग की, डज नॉट मीन कि मुझे 100% जॉब मिलेगा, राइट? मुझे अपनी वो प्रूफ करना होगा बहुत कि यस मेरे पास वो स्किल्स हैं, अगर मुझसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो मुझे आंसर करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ECCA कर लिया, बट ऑफकोर्स आपको फिर आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अगर आपके पास वो भी होंगी, क्योंकि आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है, देन व्हाई वुड यू नॉट गेट अ जॉब? आपको मिलेगा जॉब, ऑफ कोर्स मिलेगा, एंड एज यू विल स्टार्ट, एक बार स्टार्टिंग स्टेप होता है, एक बार मिल जाए फिर तो आप सीखते ही रहते हो, एंड देन यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, एंड देन यू कैन स्विच। सो मेनी पीपल आई नो जिन्होंने यू नो चारों बिग फोर में काम किया हुआ, एक से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में, तो ये तो चलता ही रहता है। सो जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप में क्या वो स्किल्स हैं? आपने पढ़ लिया लेकिन अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं, तो वो सारी चीजें भी मैटर डेफिनेटली करने वाली है। वी एट FinTram Global आर द गोल्ड अप्रूव्ड ECCA लर्निंग पार्टनर हु आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स राउंड द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यू नो कोचिंग एंड मेंटरिंग देम। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे, हमारी क्लासेस लोगे, तो आपको पता चल रहा है कि आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए ही नहीं पढ़ रहे, आपका बेस बन रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, एंड यू आर एक्चुअली यू नो लर्निंग दोज थिंग्स एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज आप कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में सब पढ़ रहे हो।
जैसे कि मैंने कहा कि मैंने खुद एज एन ACC स्टूडेंट जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, तो एज अ स्टूडेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मैं जब चाहूँ जहाँ से चाहूँ अपने कंफर्ट में पढ़ूँ, मैं ऑफिस के बाद आके अगर पढ़ना चाहूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए। सो फिनट्रैक ग्लोबल वो आपको ऑप्शन देता है, बिकॉज हमारे वीडियोज आप कहीं पर भी कहीं से भी देख सकते हो, रात में पढ़ना है सुबह पढ़ना है आपके पास ऑप्शन है। एक बार जरूर मैं कहूंगी वेबसाइट पे जरूर जाइए, टेक अ डेमो सेशन, देन आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे दैट यस मैं जो कह रही हूँ वो सही है। वी ऑल्सो ऑफर स्कॉलरशिप अप टू 91,500 विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जो कॉस्ट आपको लगता है कि वो इतना सारा है, वो इतना हो सकता है इफ यू आर गेटिंग इन टच विद अस, कॉन्टैक्ट करो विंट्राम ग्लोबल को, हमारे डेमो सेशन लो, एंड डेफिनेटली एक बार तो मैं कहूंगी वेबसाइट पे आप जरूर जाओ और आपको खुद पता चलेगा दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन द मोस्ट अफोर्डेबल मैनर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज शेयर करो भाई, इससे अपने तक इन्फॉर्मेशन कभी नहीं रखनी चाहिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स विथ योर पीयर्स, जिसको भी आपको लगे ये हेल्पफुल होगी डेफिनेटली शेयर करो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन ऑन, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड जैसे कि मैंने कहा कोई वीडियो मिस आउट हुआ होगा तो आई बटन पे उसका लिंक है, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू आर नॉट गोना फॉरगेट दिस राइट, आप जाओगे वेबसाइट पे एक बार, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप 2 मिनट तो दे ही सकते हो अपने करियर के लिए, सो विजिट द वेबसाइट एटलीस्ट वन। मैं बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हूँ इन अनदर वीडियो जहां पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें रिगार्ड्स टू ACCA बात करेंगे, बट टिल देन दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ।